कितने लोगों की मौत हुई है, क्या कितने घायल, कैसे हादसा हुआ? देखिए, जो प्रारंभिक सूचना है एक्सीडेंट के बारे में, ये लगभग 8:15 के बीच में हुआ है। ये जो सचंडी थाना क्षेत्र है कानपुर आउटर का, उस जगह पे हुआ है। और प्रिलिमरी जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, जो वहाँ के ग्रामीण थे और जो लोग इंजर्ड थे जिनको यहाँ पे एडमिट कराया गया है, ये बताया जा रहा था कि एक जो बस है, जो निजी बस था, वो कानपुर से उन्नाव बाराबंकी कानपुर के लोगों को लेते हुए राजकोट जो गुजरात में वहाँ जा रहा था ट्रैवल कर रहा था। और जो एक विक्रम है थ्री व्हीलर, उसमें से कुछ मजदूर जो वहाँ के जो एक फैक्ट्री है यहाँ कानपुर आउटर में, बिस्किट की फैक्ट्री है, वहाँ पे नाइट शिफ्ट के लिए जा रहे थे। वो नज़दीक गांव के थे, तो इसमें जो विक्रम है उस पर बैठे हुए थे। तो ये एक्सीडेंट इस बीच में हुआ है, इन दोनों, एक बस और जो ये है। इसमें से अभी जो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड हम लोगों ने लिया है मेडिकल कॉलेज से, इसमें 16 लोगों की डेथ हुई है और सभी पुरुष हैं। और इसमें ज़्यादातर जो मजदूर थे जो फैक्ट्री में काम करते थे बिस्किट के, वो है। और इसमें दो गाँव मेनली बताया गया है, एक ईश्वरीगंज है और एक लालेपुर है, ये दोनों सचंडी के सड़क क्षेत्र में पड़ते हैं। और 5 लोग हैं जो इंजर्ड है, जिनका इमीडिएटली यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनके द्वारा अपने वाहनों से इमीडिएटली भेज दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, और मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी है, और इसमें डीएम साहब, आईजी साहब, एसएसपी और माननीय सांसद जी भी हम लोग इसमें है। और प्राइमरी ये है कि जो इंजर्ड है उनका बेहतर इलाज हो जाए चीज़ें। और इसके साथ साथ इसके जो कारण क्या है, कैसे घटना हुई है, और मौके पे एसडीएम को भी भेजा गया, वो भी पहुंच गए हैं। और उसके साथ साथ आरटीओ जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, उनको भी बता दिया गया है कि वो जो वाहन है, दोनों वाहन, जो बस है और जो टेम्पो है, उनका पूरा डिटेल निकाल के आज ही रात में रिपोर्ट करने के लिए बताया गया है। वो कार्रवाई की जा रही है। सर, बस के बारे में बताया, बस भी टक्कर मारने के बाद पलट गई थी, तो क्या बस के बस में लोग सवार लोग थे, उनकी क्या स्थिति, क्या वो लोग घायल, वो लोग घायल? भैया कैमरे पे जो आईडी कौन जेके कैमरे पे लग रही है, जैसा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। साइड में आ जाएगी, प्राइमरी कहे कि इलाज बेहतर हो जाए, और इसका जो है वो किस कारण है, कारण पता हमें चल जाए। धन्यवाद।